कौन से बोलेंगे तभी। ये बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हम बहुत खुश हैं, प्रसन्न हुए इस स्टेप से। तो आगे भी चाहते हैं चाहे पीस मील्स में मगर करें, जब तक लास्ट बंदा लास्ट एम्प्लॉय वहाँ से लास्ट बंदा वहाँ से रिलोकेट ना हो जाए तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हम बंद करने वाले नहीं हैं। चलो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को देर से ही समझ आई मगर समझ आ गई, बेशक देर से ही आई मगर आ गई, होप करते हैं कि आराम से वो सबको रिलोकेट करेंगे, आशा में ही है। तब तक प्रोटेस्ट पे रहेंगे ही रहेंगे जब तक लास्ट मेंबर हमारी फैमिली का, जो अब एक फैमिली सी बन गई हमारी, उस फैमिली का लास्ट मेंबर तक जब तक मैं यहाँ वापस आए तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। हम MPS वाले हैं, हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि हमारी जो बेसिक सैलरी है वो 14,000 है, जिसपे हमारा सफ़र करना मुश्किल है क्योंकि हमें कश्मीर में भी रेंट देना है, कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके बाल बच्चे भी हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमारे से जो SO-194 लगाया गया है वो उसको रिवोक करें, जबकि गवर्नमेंट खुद यही बोलती है कि हमारी सुपर नंबरी पोस्ट है, तो फिर हमारे पे SO-194 लागू होता ही नहीं है। इसलिए हमारी सरकार से ये अपील है कि जल्दी से जल्द इसको प्रोविजन को हटाया जाए, और हम सरकार का धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने हमारे कुछ भाइयों को जम्मू ट्रांसफ़र किया है, इससे हमारी भी उम्मीदें बढ़ती हैं कि कल को शायद हम भी यहाँ अटैच किया जाए या रिलोकेट किया जाए, हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। हमें पहले दिन से विश्वास था गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और हमारे माननीय प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये एक रास्ता जरूर खोलेंगे, और उसका ये नतीजा है कि जो रिसेंटली अभी अगर हम बात करें अभी जो रिसेंटली किलिंग के बाद से मुझे लगता है ये एक पहला ऑर्डर है जिसमें गवर्नमेंट ने रास्ता खोला, हमारे 5 कर्मचारी को जम्मू डिवीजन में अटैच किया। हमें पूरी उम्मीद है, देखिए हम हमेशा समझते हैं कि गवर्नमेंट सिस्टम जो होता है ये बड़े अपने हिसाब से काम करता है, दे कांट मेक डिसीजंस ओवरनाइट, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हम भी एक आशा की किरण लेके यहाँ पे बैठे हैं और हमें पूरा यकीन है कि जो ये रास्ता खुला है इसके तहत गवर्नमेंट संज्ञान लेकिन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता जो उनको जिस प्रक्रिया से उनको लगता है वो सारे जो कश्मीर में मुलाजमों की डिमांड है कि आप हमें जम्मू रहते देखना उसमें अटैच करें, वो जरूर इन चीज़ों का संज्ञान लेगी और हमारी इस डिमांड को जरूर पूरा करेगी। कबस में हम से रूदा दे चमन कहते न डर हमदम, कबस में हम से रूदा दे चमन कहते न डर हमदम, गिरी हो कल जहां बिजली वो मेरा आशियां क्यों। कबस मतलब कैद को तुम्हें कबस कहते हैं, रूदा दे चमन चमन का हाल, बड़ा एप्रोप्रिएट शायर है हमारी साइकी के लिए, हमारी सफरिंग के लिए, हमने जो सहा है उसके लिए, क्योंकि सच पर हमने हमेशा पर्दा ही डाला। सच हमारा सच इतना सच्चा है, इतना कड़वा है, इतना अब यह मुंजमित हो गया है, फ्रीज हो गया है कि आप ये सब जू कर देना। हमारी जो आज की ये त्रासदी है ये एक सच की कड़ी है, ये एक सच की कड़ी से जुटी हुई है, इसका बुनियादी जो रूप है वो हमारी बेगरी से बेगर होने से। जब हम कश्मीर में रहते थे तो तब भी हमारे बच्चे बाहर जाते थे कश्मीर से बाहर, तो बड़े दिनों पर अच्छे दिनों पर महोत्सवों पर वो आया करते थे, और ये हालत नहीं होती थी, ये शिकवा नहीं था। लेकिन उस वक्त भी हम एक सच पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। एक बात मेरे साथियों मेरे भाइयों एक बात सीखो, सच को छुपाओ नहीं, सच बोलना पड़ेगा। जब तक सच बोलेंगे नहीं तब तक हम कोई कामयाबी हासिल कर नहीं सकते। इन्होंने कहा कि हमने साइन किया, अरे एक ट्रैप था, सोनिया गांधी का बिछाया हुआ एक जाल था,
जिसमें आपने कम्युनिटी कॉन्शियस को उनका उनकी इज्जत रखने के लिए वो साइन किया, लेकिन उसका मतलब ये कतई नहीं था कि तुम कुर्बानी के बकरे बनकर वहां जाओगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था। तो यू वायलेटेड द कम्युनिटी कॉन्शियस एट दैट टाइम। देयर वर सो मेनी फैक्टर्स। द कम्युनिटी हैड द कन्वर्शन, यू हैड द कन्वर्शन, यू जॉइन्ड हियर, बट द गवर्नमेंट डिड नॉट रिकॉग्नाइज इट अल्टीमेटली। उन्होंने मुंह फेर दिया। आशा थी हमारी, काम किया हमने, सत्ता बदलने के लिए हमने बहुत काम, कश्मीरी पंडित ने बहुत काम किया, हमारे जवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारी बहनों ने, हमारी माओं ने, ये सत्ता पलटने के लिए ट्रेनों में, बसों में, घरों में बहुत काम किया, और ये सत्ता बदलने में हमारा एक बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है। और अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली दे अबैंडन्ड अस। उन्होंने हमें हटाया, उन्होंने हमें छोड़ दिया। ये तुम्हारी बात नहीं है, मैं अगेन करेक्ट करूं, ये सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, समुदाय की बात है, कश्मीरी पंडित समुदाय की बात है, ये इसकी कीर्ति का सवाल है। उन्होंने धोखे में फंसाया, उन्होंने जाल फेंका, हम उसमें फंस गए, लेकिन उसमें निकलना, उससे निकलना भी हमारा ही काम है, ये हमारा धर्म है, क्योंकि हम बलि के बकरे नहीं हैं। योगेश मेहता जी ने मुझे एक एसएमएस किया था, ये व्हाट्सएप मैसेज भेजी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने अपने पिता शिव को भी इसमें इन्वॉल्व किया, ये बहुत ही अच्छी बात कि हम सारे इससे, सारा समुदाय इसमें शामिल हो, इससे बढ़िया बात कोई हो ही नहीं सकती। और दिमाग में ये रख के कि हमें ये जंग जीतनी है और ये हम जीत के ही रहेंगे। We have not accepted there. We have got zero acceptance over there. बस जब प्रमोशन की बारी आती है, तो प्रियंका के पंजू सपा, जब ब्रेक है पंजू सपा, जब अवार्ड हम लोग पंजू सपा, तेरे में चीनी मुचन के हैं, और हम सुबह से शाम तक ड्यूटी देते हैं, घर की सुधा लैपटॉप चलावन, तो इसे सुपर न्यू मिली, वी कैन वर्क पेनी वायर, हमारा कोई धन और नहीं है वहाँ से। उसको किस स्कूल में फर्क पड़ती है? दे हैव गॉट देयर ओन सैंक्शन स्ट्रेंथ। उनको अगर पांच पर दस था तो मैं पड़े दस था तू उन चुनता जिस का रोग मानते हैं मेरे बचपन में आज मैं आइए मैं सुना बचपन में फिर बचपन में क्लास मिस। अरे कैसे क्लास मिस हो गए? वो जड़ियों जाने, डीडीओ जाने, हेडमास्टर जाने, उसने क्यों नहीं अपने 10 टीचर वहां के बराबर रखे? आप वहां पे एक्स्ट्रा हो और आप घर पर से ही काम कर सकते हो, आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैं इन ब्यूरोक्रेट्स को बताना चाहता हूँ, जो कश्मीर के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, वो ये कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म करना बंद कर दे। अगर मेरे भाई बहन बोलते थे पिछले 12 साल से इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर कॉपर ब्याटी का कभी नहीं होता था, जिक्र होता था उतरा स्टेशन के लोग नहीं मन चार क्या, इसलिए मेहरबानी करके और मेहरबानी करके उन्होंने मैं लख लख मुलाजिम जी मुझे बेचारे नहीं सुन। मैं इस मंच से गुजारिश करना चाहूंगा, जब भी किसी को मौका मिले, वो एमडीएस का जो अभी प्रमोशन का किस्सा चल रहा है, टाइप टेस्ट अतः हिमन और टाइप टेस्ट जो बेचारे दिए जो साल दस मन लगे हिमन और साल दस मन हम लखट हम यंग हम गए गोट बिचारे दरवाजे पे हम हौक नहीं जान कंट्रोल रूम बोत तो आज 12 साल के बाद हमें दुवंजा वूर वो पंचा कर्म एज क्लास अमिश बोसने की यह क्या टाइप टेस्ट दी वो अमिस बिचारे एन टी एस रिटायर गु। इसके लिए भी जहाँ भी जिसको मौका मिले ये बात उठानी है, चाहे वो रेवन्यू के भाई हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर के हो, चाहे वो डीएम ट्रिपल आर के हो, ये बात जरूरी उठानी है, इनके साथ जुल्म हो रहा है। ये ब्याह के SO-194 अतः अगर एस आर ओ चौरत बहस था अंडर अचीव ये SO-194 का बड़े लागू होते या तो हमें बोलो तयसी कि अलग रूल कह बस ये सारी एस आर ओ चौरत बहस मे तो SO-194 का बड़े लगो बस तक
دبوگے چھ جنرل کیٹیگری نہ نہ کاجو کوجو پی ایم پیکے یچ وند ظلم چلن اس لیے اس ظلمس خلاف چ آواز تلن اسو 194 میں 2700 بچے آتے کچھ اس یسرا بارا کچھ ریوائیو کران اور پنجس پریزیڈنٹس شری سنجے جی رہنا اور شو کوئی پرے मंच पे पधारे हुए सारे महान अनुभव आप सबको मेरी तरफ से और मेरे सारे एम्प्लॉयज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप आए, आपने हमारी शोभा बढ़ाई और एक हौसला दिया हमको, ताकि हम अपने जिस लड़ाई जिस पथ पे हम निकले हैं उसको और मजबूत करें। मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपने बोल दिया है, हमारे जितने भी मेरे कलीग्स हैं उन्होंने बोला है, मुझे दो तीन बातें बोलनी है। आपका 90 का संघर्ष और हमारा 2022 का जुनून, ये दो अगर मिल जाए तो हमारी जीत निश्चय। मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हमें मार्गदर्शन करें, लड़ना हमारा काम है, हमारे में जुनून है, वो एनर्जी है, हम पहाड़ को भी सुराख करके अपना रास्ता बना सकते हैं। अगर आप हमें हौसला अफजाई करते रहे और हमारे पीछे बैक करते रहे तो और ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। रूल्स जो बनाते हैं, अभी मेरा कोई वो भाई बोलता है रूल्स है, रूल्स कुछ है, रूल्स आर फॉर रूल्स, वाइज मैन नो होते हैं एमएनडी रूल। रूल उसके लिए होता है जो रूल एक्सेप्ट करेगा, हर एक के लिए रूल नहीं होता है। रूल हमारी कम्युनिटी पे हमेशा लगाया गया क्योंकि हमने पेड़ की तरफ एक्सेप्ट किया सिर नीचे करके, हमने बकरे की तरह सिर ऊपर नहीं किया कभी भी, इसलिए हम कटते गए और आज भी कटते ही रहते हैं। सो मैं आप सब भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार मैं ये चीज बोलता हूँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज अगर हम अपनी जंग हार गए, मैं कसम खाता हूँ हमारी जनरेशन तक कोई भी ये जंग नहीं करेगा, कोई हिम्मत भी नहीं करेगा फिर आगे कि मैं एजिटेशन करूं और लड़ूं, कोई नहीं कर सकता। हमने ये लड़ाई शुरू की कश्मीर से और किसी को भी ये नहीं पता था कि हम सड़कों पे आए और ट्रैफिक बंद करें, गाड़ियां लाठियां खाए और लाठियां मारे, ये किसी को अनुभव भी नहीं था। लोग आज भी वीडियो देखते वो बोलते आपने कैसे किया। देखो एक भाई ने हमारी शहादत दी, मुझे लगता है वो प्रेरणा बन के आए ताकि हम अपने अधिकारों की रक्षा करें। हम सरकार से कोई गलत चीज नहीं मांगते, हम सरकार से मांगते हैं हमारे अधिकार, जो मेरे अधिकार है मैं वो मांग रहा हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मांग रहा हूँ। इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, सैलरी बंद होती जाएगी, रिलीज भी होती जाएगी, डरना किसी चीज से नहीं, जुट के रहो। आप एक लक्ष्य आपने बनाया है, हमने ये जंग जीती है, इसके बगैर तो मुझे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं है, चाहे इसमें साल लगे 2 साल लगे, आई एम रेडी टू फाइट टिल माई लास्ट ब्रेथ। तो इसलिए मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जुड़ते रहे, इस प्रोटेस्ट को मजबूत बनाए। और थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट सा लगता है, जब कल भी हम उधर गए थे परसों, उधर भी पब्लिक अच्छी थी, इधर भी थोड़ी गैदरिंग अच्छी है, इनको फिर से एक बार हाथ जोड़ के ये धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप आए, आपने टाइम निकाला और हमको सुना, और आशा करते हैं आइंदा से आपका हाथ हमारे सिर पे रहे, आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू ऑल।